सौ साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब दलित पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा
सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।